शासन और प्रशासन पार्टी के कार्यकर्ता की तरह कार्रवाई कर रहे, हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, बंधक बनाया गया, एक जगह पे बूथ में बैठने से भी रोका गया। मैंने कई एक तरह की घटनाएं, मैंने कई एक बाधाओं के बावजूद हमारे लोग 83,164 लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, हम उसके लिए उनको बधाई देते हैं। लेकिन हमने ये भी कहा कि ये सरकार के कामकाज का परिणाम नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं जातीय ध्रुवीकरण और सरकारी शासन प्रशासन के दुरुपयोग और धन फल के उपयोग के कारण ये परिणाम आया है। अच्छा दादा, एक चीज बताइए कि बीजेपी के अपना वोट आप 4 साल के काम पर गवा रहे हैं। अब निश्चित तौर पर वहाँ जब पूरे विधानसभा में हम लोगों ने जो देखा, जो स्थिति थी, वो लोकतांत्रिक के स्थिति नहीं था। जिस तरह से वहाँ धनबल का या शासन प्रशासन का कामकाज था, वो कहीं से भी लोकतांत्रिक दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर भी लोगों ने हमारे मुद्दों को, हमारे विषयों को स्वीकार किया है और हमारे प्रति विश्वास व्यक्त किया है, जिसके कारण हम 10,000 से ज़्यादा मतों से आगे। ये अल्पसंख्यक के वोटों के लिए आप लोगों ने काफी प्रयास किया, चुनाव प्रचार प्रचार रहते हैं, वोट मिला नहीं आप लोगों हमने कहा कि कहीं न कहीं हमें कमी रही है। 24 का ये सेमीफाइनल था, लिटमस टेस्ट, ऐसा आप मानते हैं? जब परीक्षा देता है तो लोग ये देखता है कि हम किस जगह पे कमी है, किस कारणों से परिणाम इस तरह से आया है। तो 24 में हम इन तमाम कमियों को दूर करते हुए पूरे मजबूती के साथ संघर्ष में आएंगे। परिणाम को लेकर के हम निश्चित तौर पर बैठ करके मूल्यांकन करेंगे, समीक्षा करेंगे और उन तमाम विषयों को या तमाम चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। तो सवाल है दादा कि इंडिया के सामने ये टिक नहीं पा रहा आज, जितना जो सातों